जैसे हमारी 11 अप्रैल की डेटशीट आई है, हम एग्जाम देने हैं सर। सर हमारा ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो गया, हमें 4 साल हो गए एक ही कोर्स में, हमें सर आगे भी पढ़ना है, हमारा पूरा फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है, कुछ बच्चों की वजह से हमें सफर करना पड़ रहा है, हमें कोई मास प्रमोशन नहीं चाहिए, मास प्रमोशन मिली तो हमें मार्कशीट नहीं मिलेगी, और हमें मार्कशीट चाहिए, हमें आगे जॉब भी करनी है, बस हमें यही नहीं लटके रहना है, हमें 11 तारीख को एग्जाम देना ही देना है, हमें कोई मास प्रमोशन नहीं चाहिए, हमें एग्जाम चाहिए इन एनी हाउ, हमें चाहिए। उन बच्चों की वजह से हम क्यों सफर करें, उन्हें नहीं पढ़ा उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं, हमें एग्जाम देने हैं, अब हमारी डेट शीट पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए, हमें एग्जाम देने हैं। साल हो गए 2021 चल रहा है, हमारा भी सिर्फ फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए, और ये बच्चे आके बोल रहे हैं कि हमने एग्जाम नहीं देने हैं, हमने भी इनके साथ ही फर्स्ट ईयर क्लियर किया, हमने भी इनके साथ ही एडमिशन लिया, और कि हमें एग्जाम नहीं चाहिए, हमें मास प्रमोशन चाहिए, हमने भी उतना पढ़ा, लेकिन कि हमें हमारे एग्जाम टाइम पे जल्दी से जल्दी हमारा तक ये क्लियर हो, सर ये पैसे वाले लोग हैं जो पैसे देते हैं, पैसे दे के पास निकलते हैं, आप किसी ये वो वाले लोग हैं सर, हम वो वाले लोग हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई किश्तवाड़ का है, मैं किश्तवाड़ से बैकवर्ड एरिया से, मैं इधर GNM करने आया हूँ सर, 2 साल हुए हमारे एग्जाम ही नहीं हो रहे, ये वो लड़के जो रुपया दे के पास निकलते हैं, ये क्यों लिख रहे हैं सर जब हम इनके अगेंस्ट नहीं जा रहे, ये क्यों जा रहे हैं हमारे अगेंस्ट, क्यों ये पैसे वाले लोग हैं ना, 15-20 हज़ार सर, हमें भी चैलेंज आई ग्रुप में, 15 हज़ार में हम पास, वो 15 हज़ार पकड़ता कौन है, वो 20 हज़ार पकड़ता कौन है, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा।